आज का चैलेंज का नाम है बन बन के। बन बन के हम इसे जीतेंगे ठन ठन के और खन खन के खनकेंगे हमारे ऑपोजिशन टीम के लोग। बन बन के मतलब हम बन खाने वाले हैं, बन बनाने वाले हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था। Lots of time dates are at a sports event. The one thing that everybody wants to eat there is a hot dog. Right? तो आज आप लोगों को वैसे ही एक हॉट डॉग बनाना है। तो आज हमें बनाना था हॉट डॉग बट स्प्लिट्सविला स्टाइल। दो लड़कियां होंगी बंस, एक लड़का होगा शेफ और जो लड़का बच जाएगा वो होगा सॉसेज। सबसे पहले यू हैव टू हीट द बंस। यस, सो उसको हीट करने के लिए आपको टोस्ट करना होगा। टोस्ट कैसे करते हैं? यू आर गोइंग टू बी पुट इन अ रोटिसरी टोस्टर एंड कीप मूविंग अराउंड इन सर्कल। वहाँ पे मेरी गई। बिकॉज़ वो देखने में ही ऐसा लग रहा था कि अगर इस पे रोल किया जाएगा तो कितना तेज होगा। शुक्र है इस चैलेंज में मैं नहीं थी, मेरा तो सर ही घूम जाता भाई पूरा। Next stage में there is a tray. Chef will put the two buns and the sausage in the middle. आपको उसको धक्का देना है, लेकिन धक्का देने के लिए the chef like a skateboard will be on the thing and will be pushing it, whereas the others you have to almost like shake it, like you know how you shake it, like that, so that the ramp also moves with you. क्योंकि हम इंडिया में है, so obviously हमको mint sauce चटनी तो चाहिए हॉट डॉग में। उधर एक मिंट सॉस की बॉटल है जो अप्लाई करी जाएगी चीक टू चीक। एंड देन व्हाट्स द रेस्ट? आई नो मस्टर्ड। यार वॉल पे मस्टर्ड टंगा हुआ है बलून्स में, तो जो बंस हैं वो जोर से लड़के को उठा के मारेंगे दीवार पे। देखने वाले के लिए बहुत फनी होने वाला है, बिकॉज जिस तरीके से सॉसेज जाके दीवार में बजेगी, ओहो, वो चीज देखने में सबसे ज्यादा मजा आएगा। द लास्ट स्टेज, आप लोग हॉट डॉग की तरह बन जाएंगे और जो आपका शेफ है एक सिल्वर फॉइल से आपको रोल कर देंगे। जिस भी टीम ने ये जल्दी किया वो टीम जीत जाएगी। Okay, cool, interesting, fun. Yes, sir. Yeah, but are you guys ready for some yummy hot dogs? Yes, ma'am. Let's do this then. Guys, take your positions. Actual में हमारी की पूरी गैंग आज परफॉर्म करने वाली है। तीन की यारी सब पे भारी, सब देखते हैं तीन की यारी कितनी ज्यादा यू नो अच्छी है। पहली टीम में जय वॉज द शेफ, आदिति एंड पलक बने थे बंस एंड शिवम वॉज अ सॉसेज। अरे गॉड, हम लोग क्या क्यूट लग रहे थे यार। पहली बार लाइफ में सॉसेज बनाऊं तो मुझे एक अलग ही स्वाद आ रहा था अपने आप में, मैं खुद को ही टेस्टी लग रहा था। Guys, ready? Ready, sir. Your time starts in 3, 2, 1, go. Chakkar, chakkar, ghol ghumave, chakkar mere paon ka. Arey chakkar, chakkar, ghol ghumave, chakkar mere paon ka. Yehi kahin pe laga hua tha patthar mere paon ka. मैंने और जय भाई ने शायद कुछ ज्यादा ही शक्ति लगा दी और हमारे जो पावर पफ गर्ल्स है वो कुछ ज्यादा ही तेजी से घूमने लग गई। भाई मुझे तो लगा वो उड़ के निकलने वाली है वहां से। जय और शिवम ने हमें इतनी तेज घुमाया, मेरा सर बाहर निकल गया, अदिति को चीखने की आवाज आई, मुझे कोई मेरा पैर हवा में था। काफी मजा आ रहा था गोल गोल घूमना, मुझे लग रहा था कि ओ शिट जितना खाया पिया है सब बाहर आ जाएगा उस टाइम पे। जब हम वो पांच बार रोल हुए ऑलरेडी हमको चक्कर आ चुके थे। जय ट्रॉली को पुश कर रहा था और उधर शिवम अपनी दो भाभियों के साथ मटकना चालू हुआ।
महीर ना हूर ना महंगे अंगूर नतन मांगे तंदूर। अगर हम तीनों साथ हिलेंगे तभी हमारी गाड़ी हिलेगी यार, अगर तीनों नहीं हिलेंगे तो कुछ नहीं होगा। बस हम हिले हैं और सबको हिला देंगे। बस बस हो गया, हो गया। चल थोड़ा आगे। ऑलराइट, टाइम फॉर मिंट, टाइम फॉर सम मिंट सॉस। यम्मी चटनी, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी नाइस। वो जब सॉस मेरे ऊपर गिर रही थी तो मेरी जिंदगी स्लो मोशन हो चुकी थी यार, मैं मतलब पूरी होली वाली फील ले रहा था। शिवम ऐसे फील ले रहा था ना जैसे उसके ऊपर फूल पत्तियां गिर रही हो। आला ला आला ला। शिवम कोई मौका तो जाने दे। दबा के रखो, नहीं दबा के रखो, बस 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 बस, एक बार चेक करो, एक बार चेक करो। उससे भी नीचे कर दिया हमने। या डन डन डन। अरे बोला था ना डन डन डन। एंड थ्रो योर हॉट डॉग। शिवम जो है बहुत एक्साइटेड है, लड़कियां मारने वाली थी उससे पहले ही वो अपने हाथ को कुदा चुका है। वन टू थ्रो। वो जो छोटे छोटे गुब्बारे थे उनमें मुझे दिख रही थी केविन की शक्ल। आज मौका था मुझे एक ही बार में 15-20 केविन को मारने का। शिवम क्या आदमी है भाई, इंसान है कि पजामा है भाई। मतलब शिवम ने तो उस दिन दी भाई अपनी खुद की उसने। मेरे पास पहला मौका था अपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी चैलेंज में अपने आप को प्रूव करने का, तो मैंने अपनी सारी जान लगा दी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी चैलेंज जीत के रहूंगा आज। बेवकूफ लोग फॉइल पेपर के ऊपर जाके चढ़ रही है। लाइक डूड हटो वहां से, उसने फॉइल पेपर को हमारे ऊपर रैप करना है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी।